सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग अनबॉक्सिंग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, जो एल जी का है, मैं नेक्स्ट मॉडल ले आया हूँ। रेफ्रिजरेटर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक नया मॉडल और एक बेहतरीन मॉडल मैं आप लोगों के सामने ले आया हूँ। तो आइए इसकी बिग अनबॉक्सिंग करते हैं। सो दोस्तों, इस नए मॉडल को हमने बिग अनबॉक्स कर लिया है। कलर आप देख सकते हैं, डार्क कलर में है। बहुत ही प्यारी जो पेंटिंग है, फ्लावर्स के अंदर हमें यहाँ प्रिंटिंग मिल जाती है। तो बहुत ही प्यारी प्रिंटिंग मिल रही है। अगर ये पीस हमारे घर में होगा रखा हुआ किसी साइड में, तो ये बहुत ही अच्छा देगा, बहुत ही प्यारा लुक हमें देगा, बहुत ही अच्छा व्यू भी देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, जो इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है वो रीड आउट करने जा रहे हैं हम। तो जो इसके अंदर स्टार रेटिंग है वो हमें यहाँ एक स्टार रेटिंग मिल जाती है। जो ये सेम ही मॉडल के अंदर जो पास्ट ईयर का था, ये अभी आप यहाँ देख सकते हैं 2020 का है, मतलब लेटेस्ट ही मॉडल है। जो पास्ट ईयर का था उसके अंदर हमें 2 स्टार की रेटिंग मिल जाती थी, लेकिन इस मॉडल के अंदर पता नहीं क्यों कंपनी ने 1 स्टार की रेटिंग घटा दी है। बाकी सब चीज़ें सेम हैं। तो ये 250 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करता है। उसके बाद हमें यहाँ मिल जाता है रेफ्रिजरेटर। एल जी की ब्रांडिंग है यहाँ पर। और जो मॉडल हम देख सकते हैं, GLB181RS0V2020। और उसके बाद ड्रैग कूल 185 लीटर इसकी जो है ग्रॉस वॉल्यूम है इसके अंदर टोटल। और ये इनका मेन रहता है फास्टेस्ट आइस मेकिंग है जो इसके अंदर हमें दिखाया गया है, जो इसके मेन फोकस रहती है इसके ऊपर। और ये वर्क विदाउट स्टेबलाइजर भी है। तो चलिए इसको करीब से देखते हैं। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर को हमने ओपन कर लिया और इसके अंदर आप अंदर से आप लोग देख सकते हैं, ये हमें यहाँ फास्ट फ्रीजिंग जोन है ये मिल जाता है। तो यहाँ आप आइस बॉक्स रख सकते हैं बर्फ वगैरह जमाने के लिए। और उसके बाद हमें यहाँ ये कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे अगर गर्मियाँ ज़्यादा हो तो आप 4 या 5 पर सेट कर सकते हैं। अगर ह्यूमिडिटी का मौसम हो तो आप इसको 2 या 3 पर नॉर्मल सेट कर सकते हैं। वैसे आप इसको 1 पर कर सकते हैं या आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बाय चांस अगर बहुत ज़्यादा बर्फ अगर इसमें फ्रीज़र के अंदर जो इकट्ठी हो जाए, उसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हैं, तो क्या होगा कि जो सारी बर्फ़ है वो मेल्ट होकर बाहर जो पानी की दरों निकल जाएगा पानी उसके अंदर। और हमें यहाँ ये कूल और फ्रेश जोन मिल जाता है। तो आप इसके अंदर मिल्क वगैरह भी रख सकते हैं, मिल्क चीज़ वगैरह हो गए उसके अंदर ये आप रख सकते हैं। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है हर चीज़ के ऊपर। ये टफन ग्लास हमें यहाँ मिल जाते हैं, ये अलग अलग इनको रैक सेट कर सकते हैं हम। तो ये टफन ग्लास बहुत ही मजबूत होता है, आराम से 10-12 किलो जो है वेट आराम से सहन कर लेता है। तो यहाँ हमें वेजिटेबल बॉक्स यहाँ मिल जाता है, ये कुछ गाइड मिल जाती है, और इसके साथ हमें ये आइस बॉक्स भी मिल जाता है। तो आप इसको वेजिटेबल यहाँ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमें कुछ बॉटल रैक्स भी मिल रहे हैं, तो आप यहाँ बोतल जो रख सकते हैं, एक बोतल रैक ये मिल जाता है, दूसरा बोतल रैक हमें यहाँ पे ये मिल जाता है। और इसके अंदर लॉक फैसिलिटी भी मिलती है हमें यहाँ पे, आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर से ये लॉक फैसिलिटी मिलती है, और इस लॉक की हमें यहाँ पे ये मिल जाती है। और ये कुछ गाइड वगैरह दी गई है कंपनी की तरफ से। और ये दूसरा बोतल रैक हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद हम देख सकते हैं ये 2 छोटी स्टोरेज भी है कोई मेडिसिन वगैरह रखने के लिए। और ये एग ट्रे भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो इतना सब कुछ स्टफ ये कंपनी की तरफ से मिल जाता है। तो यार, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप यार मेरे चैनल बिग अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी देख रहे हैं सभी आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर आपको कोई भी इसके सर्विस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ हमें साइड में स्टिकर मिल जाता है, उसके ऊपर जो कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है या फिर जो टोल फ्री नंबर है वो हमें मिल जाता है। तो आप उसको कंपनी में कॉल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट नोट करवा सकते हैं अगर आप कोई कंप्लेंट फेस कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइजिंग की। तो जो इसकी मार्केट प्राइजिंग, जो इसकी ऑफलाइन प्राइजिंग, जो रिटेल शॉप्स में प्राइजिंग है वो रहेगी हमें 12,800 से लेकर 13,000 के बीच में देखने को मिलेगी। जैसे मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, अगर इससे ज़्यादा की अगर हमें ये प्रोडक्ट मिले तो हमें नहीं परचेज़ करना है। अगर इससे सस्ता मिले, अगर आपको ये प्रोडक्ट मिले, तो आप इसको ऑफर की तरह ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कमेंट बिलो कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए। थैंक यू सो मच।